राजस्थान की सियासी लड़ाई में अब सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक तरफ गहलोत अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। ये भ्रष्टाचार का मामला 2009 का है और उस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए अशोक गहलोत पर भी जांच की आंच आ सकती है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को ईडी ने समन जारी किया है और उनसे जल्दी पूछताछ होगी। पिछले 22 जुलाई को जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और घर की तलाशी ली थी। दरअसल अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि यूपीए शासन के दौरान उर्वरक घोटाले में वो शामिल रहे। अग्रसेन की कंपनी ने किसानों के लिए आयात किए जाने वाले उर्वरक का निर्यात किया था। उन्होंने कथित रूप से सब्सिडी वाले उर्वरक का निर्यात किया। ये उर्वरक घरेलू और किसानों के लिए था। 2007 से 2009 के बीच सब्सिडी चोरी का अंदेशा माना जा रहा है। ये मामला कस्टम अधिकारियों के द्वारा माल के पकड़े जाने पर सामने आया था। अग्रसेन पर अपनी फर्म के बिक्री दस्तावेजों में हेरफेर करने का भी आरोप है। अब ईडी की जांच से अशोक गहलोत के भाई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल म्यूरेट ऑफ पोटाश निर्यात किसानों को सस्ते दर पर दिया जाना था, लेकिन आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने उसे अपनी कंपनी के जरिए सस्ते दाम पर खरीदा और विदेशी कंपनियों को महंगे दाम पर बेच भारी मुनाफा कमाया। हालांकि ईडी की जांच से कांग्रेस तिलमिला गई है और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश का हिस्सा है, लेकिन अग्रसेन गहलोत की जांच से अब सीएम अशोक गहलोत भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।